सभी को मेरा नमस्कार। अभी हमारे साथ आदित्य जी भी जुड़ेंगे, उनका थोड़ा वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट के लिए, फिर हम शुरू करेंगे अपना सत्र। आप सबके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम भी रहेगी उसमें आपको जवाब देती रहेगी और मैं भी पढ़ पढ़ के आपको जवाब देता रहूंगा। आप सबका कैसा रहा एग्जाम? आदित्य जी नमस्कार। हेलो आदित्य सुन पा रहे हैं? जी, 1 मिनट। जी बताइए शशांक भाई। आवाज आपको मेरी रही है। सभी साथियों को नमस्कार, सभी साथियों को वंदे मातरम। सभी को नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं आज आपका एंट्रेंस एग्जाम था। आई होप कि सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, सब सेंटर पे आराम से पहुंच गए थे और टाइम से एग्जाम शुरू किया था। और मिला है कि किसी का एग्जाम किसी को टफ लगा, किसी को मॉडरेट लगा, किसी को इजी लगा। तो वो एग्जाम कैसे गया तो बताइए कि कैसे क्या लगता है। आप बताते रहेंगे और आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। लॉ सेंटर वन में एबीवीपी यूनिट जॉइंट सेक्रेटरी का दायित्व है। और आज आप सबके मध्य आपके जो क्वेश्चन पेपर था उसमें से जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उसका आंसर्स और कुछ डिस्कशन रहेगी। आदित्य जी हमारे साथ रहेंगे। तो आदित्य जी आप शुरू करिए, फिर मैं बीच बीच में थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वंदे मातरम साथियों, मैं आप सभी मैं आशा करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा डीयू का, और आप सभी को कैंपस में जल्दी से देखने की आशा करता हूँ। तो आपका जो भी सवाल हो आज के क्वेश्चंस को लेके, हमने सोचा कि आप सबसे मुलाकात करके फेसबुक के माध्यम के जरिए आप सबसे मुलाकात हो, और आपके कुछ डाउट्स हो या मन में एक्साइटमेंट हो पेपर को लेके, पेपर का रिजल्ट जानने के लिए कि आपका पेपर कैसा हुआ है कैसा नहीं, तो उसको जितने क्वेश्चंस हमें मिल पाए उसको हमने प्रयास करके इकट्ठे करके उन सब का आंसर्स हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, मैं और शशांक जी। एक मिनट,
क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ एक बार जो लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें मिला है वो था आर्टिकल 44 रिलेटेड टू व्हाट। तो इसका आंसर रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एक्स पोस्ट फैक्टो किस आर्टिकल में है अपना, वो आर्टिकल 20 अंडर सेक्शन 1। थर्ड क्वेश्चन था बांग्लादेश एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट था वो? वो है 100th अमेंडमेंट, 100, 100। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा नोबल नॉट टू हूम, ये महात्मा गांधी जी का आंसर था। फिफ्थ क्वेश्चन इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल, इसका आंसर था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस था इसके साथ रिलेटेड। देन सिक्स क्वेश्चन था अपना दादा साहेब फाल्के 2019 किसको मिला है, वो मिला था अमिताभ बच्चन को। यस, ये आंसर ठीक है। देन सेवन क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 किसको मिला था, इसका आंसर है बजरंग पूनिया एंड दीपा मलिक। देन है एट क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप विनर कौन सी कंट्री थी, आंसर है फ्रांस, करेक्ट आंसर है फ्रांस। देन नाइन्थ क्वेश्चन है सेबी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है अपना मुंबई में। और अगर आपको कि मैंने जो बोला है आपको लगता है कि सही है गलत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और किसी भी कार्यकर्ता से आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, देन टेंथ क्वेश्चन है हमारा मोहिनीअट्टम डांस किस स्टेट का है, यह है केरला का। इलेवेंथ क्वेश्चन है ओथ एंड अफर्मेशन शेड्यूल किसमें है, ओथ एंड अफर्मेशन कौन शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है, यह है थर्ड शेड्यूल। देन जनरल एक्सेप्शन चैप्टर, जो जनरल एक्सेप्शन है वो आईपीसी के कौन से चैप्टर में है, वो है फोर्थ चैप्टर में। चैप्टर में हाँ, फोर्थ चैप्टर। देन आता है ओजोन ट्रीटी, इसका आंसर क्या था, इसका था MONTREAL, मॉन्ट्री, मॉन्ट्रियल। एंड 14th क्वेश्चन है मैग्सेसे अवार्ड 2019 किसको मिला था, वो मिला था रविश कुमार जी को। 15th क्वेश्चन है भारत रत्न NOT अवार्ड 2019 इसका आंसर क्या है, इसका है दीनदयाल उपाध्याय। देन 16th क्वेश्चन है अपना वोटिंग एज रिडक्शन अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट था, वो था 61st अमेंडमेंट। देन 17th क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ USB, इसका आंसर था यूनिवर्सल सीरियल बस। 18th क्वेश्चन है आर्टिकल 25th रिस्ट्रिक्शंस, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 25th की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या है, वो है पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ। आर्टिकल क्वेश्चन 19th है अपना स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 कौन सी सिटी सेलेक्ट की गई है उसमें, वो है इंदौर। नहीं। देन 20th क्वेश्चन है अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ इंडिया इन 2019 क्या रैंकिंग मिली है, 63rd। देन 21st क्वेश्चन है कोका कोला इज व्हाट, कोका कोला क्या है, इसका आंसर था ट्रेड सीक्रेट। देन 22nd है अपना जॉइंट पार्लियामेंट्री सिटिंग प्रिसाइडिंग बाय, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री सिटिंग होती है उसको कौन प्रिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोक, लोकसभा यस। लोकसभा देन 23rd क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन है मेंस रिया मेंस नॉट रिया रिक्वायर्ड इन विच ऑफेंस, ये इसका आंसर हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और नहीं मिलेगा तो हम बता देंगे आपको। रणजी ट्रॉफी सॉरी जी, बीच में कॉल आ गया था किसी का इसलिए डिस्टरबेंस अच्छा हुई होगी। हाँ तो जी देन मैं 24th बताता क्वेश्चन हूँ है जी रणजी ट्रॉफी 2019 रणजी ट्रॉफी 2019 वेन अग्रीव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट व्हाट इज रेमेडी
अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद अग्रीव्ड हो तो उसके लिए रेमेडी क्या है? रिव्यू एंड क्यूरेटिव पिटीशन, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। एक क्वेश्चन था यूएन का, आज मैंने काफी बच्चों से सुना कि यूएन से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आए थे, तो उसमें क्वेश्चन था स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन फॉर ट्रेड एंड बिजनेस इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। अगला क्वेश्चन है आपका, टेनिस टूर्नामेंट जनवरी टू दिसंबर ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस ओपन। अगला क्वेश्चन आपका है, ट्रांसजेंडर आर इन विच कैटेगरी। ये एक क्वेश्चन था आज, बहुत हमें अनोखा क्वेश्चन देखने को मिला, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमें मिला है, हमने अपने सूत्रों से पता करा, वो ओबीसी है। प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी वॉज फरुखद्दीन अली अहमद। प्राइवेसी, आधार कार्ड, अगर आप सबको याद हो तो आधार कार्ड के ऊपर एक केस हुआ था, उस केस का नाम था केस, वो प्राइवेसी को लेके आधार कार्ड के ऊपर, उस केस का नाम था केस पुट्टास्वामी। उस केस का वो था कि आधार कार्ड के लिए लोगों को लग रहा था कि आधार कार्ड सेफ नहीं है, उससे लोगों की ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए जरूरी नहीं है, उसका आंसर है जी। शशांक जी बताइए जी, आपकी आवाज कट गई थी एक्चुअली, जो आपने केस पुट्टास्वामी वाला बोला था उसका आंसर एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा। केस पुट्टास्वामी वाले का आंसर है, आधार कार्ड के वाला केस का नाम था केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में आधार कार्ड के लिए जो कंप्लेंट करी गई थी कि आधार कार्ड में लोगों की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो रहा है, मतलब प्राइवेसी। सो ऑप्शन जो प्राइवेसी का था वो करेक्ट है जी। क्षमा चाहूंगा जी, बीच में शशांक जी फोन आ रहे हैं, जैसे लोगों को पता चला आज मेरी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जी। दोस्तों के, भाइयों के, आप जैसे साथियों के, सभी के फोन आ रहे हैं। Any trade related issues will be sorted in international, will in international market will be sorted by World Trade Organizations. And section 376, which defines the punishment rape. उस section में clearly लिखा है कि inserted inside man or woman will be counted as rape. आज ये भी एक question था आपके उसमें। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी कमिटी से आई थी, वो उस कमिटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमिटी। पेटेंट एक्ट ईयर, एक इंडिया में पेटेंट का एक्ट है, वो ईयर आया था 1970 में, इन्फोर्स किया गया था। एनवायरमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट टू टेक केयर ऑफ द in the year of 1976 by the virtue of 42nd constitutional amendment act ji. Threatening to defamation, agar kisi ko hum defamation ka threat de rahe hain to it will be counted as extortion. adultery is not a crime in ipc anymore after the supreme court judgment, and Supreme Court repealed the section 497 of IPC. Common intention is not needed in an unlawful assembly. Yeah, I think Shashank ji, shayad is question mein kuch gadbad hai. Common intention unlawful assembly ka important part hota hai ya nahi hota, aap ek bar confirm karenge? Common intention but is not needed unlawful assembly, इसका थोड़ा क्लियर करके कमेंट बॉक्स में बता देंगे एक बार अगर डाउट है तो। विमेन 2020 वर्ल्ड कप हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, भीम पे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड NCPI। मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे आप सब लोग ज्यादातर सभी जानते होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी की गाइडलाइंस जो भी होती है वो सब हमेशा RBI ही देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राज्यसभा
क्या लिखा है ये? अच्छा शशांक जी आगे कंटिन्यू करें आप। जी मैं करता हूँ जी, जितना अभी आदित्य जी ने कराया उसके आगे मैं एक बार लेता हूँ। इसमें मैं हूँ फिफ्टी वुमेन थर्ड रोल तो क्वेश्चन। एक्चुअली थोड़ा ना आपने बीच में ऊपर नीचे हो गया आई गेस, थिएटर आदित्य हॉल शर्मा तो जी का एक और है प्रश्न है, सभी मैं पीछे। राइटल रेप विल सेक्शन नहीं है आईपीसी में, बस एक तरह का रेप है डी और ई, उसमें क्या उसमें है कि अगर कोई कोई हस्बैंड विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर ड्यूरिंग द जुडिशियल सेपरेशन देन इट विल बी काउंटेड एज रेप, अदरवाइज देयर इज नो क्लॉज फॉर मैरिटल रेप इन एनी इंडियन लॉ। कुछ क्वेश्चन जो शायद मेरे को लगता है नेटवर्क कनेक्शन की वजह से नहीं डिस्कस हो पाए थे। आई थिंक रोमन स्टैट्यूट के बारे में आपने आंसर बताया था, रोमन स्टैट्यूट जी नहीं नहीं उसका जी रेमन उसका आंसर स्टैट्यूट रहेगा में जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। रोमन रोमन स्टैट्यूट का आंसर है अपना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट, सेरेमनीज ऑफ मैरिज एंड पेटेंट एक्ट ईयर 1970 एंड फंडामेंटल। अब ये था हु डजंट कास्ट वोट इन जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, इसका आंसर है स्पीकर इन केस ऑफ डेडलॉक। एंड एक क्वेश्चन वेजाइना, इसका आंसर है रेप। ओके एक मिनट, एक फिफ्टी क्वेश्चन फोर्थ अभी अभी क्वेश्चन है आया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर। जी जी आप आंसर करिए आंसर नहीं नहीं बताइए बताइए आप बताइए, आईपीआर आप कल कंप्लीट करिए शशांक जी। जी। 54th क्वेश्चन है अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये क्या है? दीज आर रीजनल टेरिटोरियल इंटरनेशनल एंड ऑल, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मेरे मेरे हिसाब से मैं 54 क्वेश्चन ही थे जितना जहां तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, इतने हम कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस ले सकते हैं आदित्य जी। आगे मैं देख जी लेता हूँ अगर मेरे पास एक और कोई केस क्वेश्चन आता है। एक केस है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो केस आई थिंक आया था आपके पास, उस केस वो केस रिलेटेड इज रिलेटेड टू अडल्ट्री, जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी हटाया था। आदित्य और जी मेरे पास कुछ और क्वेश्चन आए हैं, जरा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 10-11 क्वेश्चंस और आए हैं, ये अच्छी बात जी है कि बिल्कुल इतने क्वेश्चंस बिल्कुल हमें मिल बिल्कुल गए। 54th क्वेश्चन था मैनेजर ऑफ वक्फ बोर्ड, उसका आंसर है मुटावली। एंड 55th क्वेश्चन है अपना कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, इसका आंसर है अंडर 7 ईयर्स, 7 years। ठीक है? अगर 7 ईयर से छोटे हैं तो कंप्लीट इम्यूनिटी मिलती है। 56th क्वेश्चन है मेजर अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग मेजर कौन कंसिडर किया जाता है? यह 18+ एज। 18 years of 57th age। क्वेश्चन है मैड मैड पर्सन ट्राई टू किल यू एंड इन रिस्पॉन्स यू किल्ड हिम, इसका आंसर है इट कम्स अंडर प्राइवेट डिफेंस। अगर आपको कोई मारने की कोशिश करता है और आप उसको डिफेंस में किल कर देते हैं तो वो डिफेंस प्राइवेट डिफेंस के अंदर इवन आता है। Even आई if थिंक he, even if the person is of unsound mind, even if the person is of unsound mind के person के ऊपर यस भी प्राइवेट right of डिफेंस private में defence पूरा होता है, लागू होता है। पूरा होता है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर इतना टफ नहीं आया है, बार का क्यों आदित्य आसान जी? था शशांक जी, इस बार का आसान था। काफी मतलब मेरे को लगा हो सकता है हम अंदर बैठे हैं इसलिए मुझे लग रहा हूँ जो अटेम्प्ट किया उनको इस बार क्यों। लीगल अच्छा इस वैसे इस बार लीगल भी ज्यादा, लास्ट ईयर लीगल कम आया था। फिर भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं लगे मेरे को ना, इतना इजी टू टिक वाले हैं। देखो जी देन क्योटो प्रोटोकॉल, हमारा तो यही उद्देश्य है कि हमारे सब साथियों को जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं पहले दिन से, उन सबका एडमिशन हो जाए, हमारे नए नए दोस्त मिले, बिल्कुल नए नए बिल्कुल साथी तभी मिले, तो होगा, तभी तो ये हमें होगा, दावत दें, हम इन्हें दावत दें कॉलेज की। बिल्कुल बिल्कुल।
आप आइए, आपकी सभी का बहुत बहुत फ्रेशर्स स्वागत हुआ पार्टी का सभी इंतजाम कर का। रखा है हमने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माला पहना के और स्वागत आप किया सबकी जाएगा दुआ सभी रही का, तो कॉलेज कॉलेज एबीवीपी के खुलने से, आप कार्यकर्ताओं सबकी द्वारा। दुआ रही तो कॉलेज खुलने से पहले मैं स्वस्थ हो जाऊंगा कोरोना से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसे ही हम सब की कामना है। आदित्य, आपको देख के लग भी नहीं रहा कुछ हुआ है, बस लग रहा है कि बस नॉर्मल खास में है। इतना जी। खिलखिलाता चेहरा है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल, इसका आंसर है क्लाइमेट चेंज। 59th क्वेश्चन है, हु रिलीजेस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। 60th क्वेश्चन है, हु इलेक्ट्स राज्यसभा मेंबर्स, इसका आंसर है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देन 61st क्वेश्चन है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कम्स अंडर विच कैटेगरी, ये आता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब आपको इंश्योरेंस कराते हैं वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो डिपेंड होता है किसी की हैप्पी। आता है इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन क्यूरेट मींस, इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लाइक आपको नहीं पता था कि कोई ऐसा लॉ भी है, कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको पता होना चाहिए उस जगह का, उस विसिनिटी का लॉ, या आप अपनी कंट्री का या अपने लोकेलिटी का, ठीक है। तो इसका आंसर है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। 63rd क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड मार्क कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, इसका आंसर रहेगा अपना कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देन 64th है, जोसेफ शाइन जजमेंट रिलेटेड टू, जो जोसेफ शाइन की जजमेंट रहती है उसकी किससे रिलेटेड है, इसका आंसर है एडल्ट्री। देन 65th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स डोंट गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी, आर्टिकल 20 एंड 21। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं किए जाते इमरजेंसी के दौरान, उसका आंसर है आर्टिकल 20 एंड 21। आई थिंक हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं, अगर हैं तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और जी नहीं, करीब करीब ग्रुप पे यही भी। 64-65 क्वेश्चंस आए थे हमारे पास शशांक जी, जी और ये बाकी 10 क्वेश्चन भी एंड लास्ट मोमेंट पे आए हैं जो भी अभी हमने डिस्कस करे हैं। जी 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 और बाकी आप सबका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं और शशांक जी हैं आपकी सेवा के लिए। जी ये क्वेश्चन नहीं था। देखिए, जो क्वेश्चन हमारे मिले हैं वो आप एस्पिरेंट्स नहीं बताए हैं कि एक्चुअली हमने तो अटेंड किया भी नहीं, हमारा पेपर आया है, जो भी जी जी हमारे पास है जी हमने आपसे डिस्कस किया है। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आपको, आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए तो आप हमें बता सकते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका जवाब भी आपको देने का प्रयास करेंगे। जी, मैनेजर ऑफ मैनेजर वक्फ, ऑफ वो वर्क, ये कह रहे हैं कि मैनेजर ऑफ वक्फ बोर्ड थे। देखिए जरा शशांक जी, नहीं जो जी, उसका आंसर है अपना मुटावली नाम, मुटावली। मुटावली हाँ मुटावली, शैलेंद्र जी भी जो सारा एबीवीपी का क्रैश कोर्स पूरा मैनेज कर रहे थे, वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं कमेंट्स के माध्यम से। जी, और क्वेश्चन भी उन्होंने ही हमें प्रोवाइड करवाए हैं। हाँ जी, क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने का शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप छात्रों के बारे में बहुत सोचते हैं और शुरू से ही, पहले जी साल जी से ही, आज इस टाइम शैलेंद्र जी एलएलबी के 3rd ईयर में हैं, और उससे पहले जब ये डीयू में 1st ईयर में थे अपने अंडर ग्रेजुएट के, तभी से ये छात्रों की सेवा में कार्यरत हैं। जी बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस ऑफ फिल्म फेयर, ये क्वेश्चन था, बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस ऑफ फिल्म फेयर। ये तो जी कोई सिनेमा देखने वाला ही बच्चा बता सकता है, हम तो रामाधीर सिंह को कोई बात मानते नहीं, हैं। ये क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं अपने उसमें लिस्ट में, जो शेयर कर आप देंगे इस लिस्ट को। अगर, आपके पास इस टाइम लैपटॉप अवेलेबल है तो आप जरा एक बार गूगल करके देखिए। आदित्य जी, हम जरा रामाधीर सिंह को मानते हैं, जब तक लोग सिनेमा देखते रहेंगे। जी लीजिए, शैलेंद्र जी ने आपका जवाब दे दिया, बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस अक्षय कुमार एंड दीपिका पादुकोण। थैंक्स टू यू बोथ, बोथ ऑफ यू ऑप्शन। थैंक यू चरेंद्र भैया, आई थिंक सेशन खत्म करना चाहिए। जो क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में तो पूछ लीजिएगा, वहां पे रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। और
कर देंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं। जी, आप सभी बहुत का बहुत ये भी धन्यवाद आदित्य आप जी सभी का आपका। सेशंस इस सेशन से जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। एबीवीपी में भरोसा रखने का बहुत बहुत धन्यवाद। एबीवीपी ऐसे ही छात्रों के लिए शुरू से कार्यरत है और कार्यरत सदैव रहेगी। जय हिंद, जय भारत। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और या एबीवीपी लॉ फैकल्टी पे मेल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप में भी ग्रुप में आप सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आपका बहुत धन्यवाद। चलिए एंड करते हैं सेशन को।